देख सकते हैं कि किर्गिज जो पहाड़ों पे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं अपने मवेशी हिमालय मवेशियों के साथ, घोड़े किर्गिज़स्तान में घोड़े और यहाँ के लोग, ये पहाड़ लाजिम व मज़ूम हैं। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी पे घोड़े पे इतनी ज़बरदस्त स्पीड के साथ चढ़ रहा है और ये अपने माल मवेशी को जब चराने ले जाते हैं तो इनके साथ दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक घोड़ा एक कुत्ता। तो कुत्ते को भी जो है ट्रेन किया होता है उनके मवेशी वगैरह को इधर उधर गाइड करने के लिए। ये मंज़र बहुत खूबसूरत है, ये जो आदमी घोड़े पे ऊपर जो चढ़ रहा है आप देख ले। मेरे बच्चे अभी तक ये इस पानी में खेल रहे हैं। इस जगह में कभी आना हुआ तो यहाँ हाइकिंग के लिए बेहतरीन जगह बने हुए हैं। नेचुरल हैं ये, कोई बने बनाए नहीं हैं, नेचुरल रूट्स हैं। आप इनके ऊपर हाइकिंग कर सकते हैं जितनी देर तक कर सकें, और ऊपर जाएंगे तो नीचे ग्रीन प्लेन्स, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप आपको नज़र आएगा। लेकिन मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ स्लो स्लो सच ए लवली प्लेस, सच ए लवली एनवायरमेंट। वी सी मोर पीपल कमिंग हियर नाउ, यू कैन सी द ब्राइट शाइनिंग सन। A very nice evening. This is a perfect place away from the noise. Yes, you have. No problem, no वापसी पे हम इस गांव में दोबारा रुके हुए हैं। मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, पता कर लूँगा, लेकिन यहाँ जो मंज़र इस वक्त पेश कर रहा है ये गांव, ये देखने की चीज़ है। जायलोज कहते हैं इनको ये लोग, बहुत ही खूबसूरत है। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kanday bhaike. Yaxshi. 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 Sunun. Aha.
तो तुलपार तुलपार और जोरगो जोरगो जी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये अंकल है, ये अपनी मवेशी लेके आया हुआ है और ये आप देखें, ये है जी इनका जाइलो जिसको कहते हैं, हमारे ब्रुशस्की में इसको तेर या बर कहते हैं। तो पैता पैता भी एक टर्म यूज़ होता है जो नॉर्दर्न एरियाज में जो हाई पास्चर्स होते हैं, पास्चर्स जिनको कहा जाता है। तो मैं इनको इनके पहाड़ से उतरने का जो मंज़र था वो आपको दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ ये हुआ कि हमें इन लोगों ने अपने घर में चाय की दावत दी, तो हम अंदर चाय पीने गए तो ये सब चीज़ें इधर आ गई। इस वक्त यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इनका जो शीप का जो वूल होता है वो उतारा जा रहा है, उसकी कटाई हो रही है। शाम का मंजर है, ये मंजर काफी अरसे से मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने हिम्मत करके पहाड़ों पे चढ़ा हूँ और यहाँ के जो पास्चर्स हैं इनकी जो खास बात वो ये है कि ये आप देख सकते हैं रोड है, बिल्कुल हाईवे, और इसके आसपास बस इस तरह के यूर्त बने हुए होते हैं और इस यूर्त में हम गए थे। बहुत खूबसूरत दस्तरखान था, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं, तो बहुत मज़ा आया। ये अब अनटाई किया इन्होंने, इसका शीप का वूल उतारने के बाद अनटाई किया है और अभी अंकल इसको जो है कोई स्पेशल ग्रीन कलर कर रहा है ताकि ये जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि ये आसानी से इसको पहचान सके। तो इसके लिए ये आइडेंटिटी मार्क है जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, तो इस विलेज में हमने अच्छा खासा टाइम गुजारा है और अभी आप देख सकते हैं कि हम ये जो विलेज में थे, ये जो मवेशियों का हमने आपको दिखा दिया, बेड़ू बकरियां वगैरह सब वहां काम चल रहा है, शाम का क्लोजिंग व्लोजिंग चल रही है। तो ये घोड़े का दूध दोया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये एक हमारी बहन है जो घोड़े को इस वक्त मिल्किंग कर रही है, घोड़े की उनके साथ उनके फैमिली मेंबर हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो अंकल घोड़े पे था वो अब अपने घोड़ों को लेके निकल गया। पानी पिलाने के बाद ये दोबारा वापस लेके जा रहा है। और ये इस शाम की मेरी आखिरी क्लिप है, इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने फीडबैक से कमेंट में हमें आगाह कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरे व्लॉग्स आते रहें। तो किर्गिज़स्तान की इन हसीन पहाड़ियों से अल्लाह हाफिज़, शाम बख़ैर।